तो आज की जो हमारी क्लासेस है इसमें हम शुरू कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। ये हमारा डे वन है और हम आज जो है थोड़ी सी कंसेप्ट शुरू करेंगे बेसिक, देन बात करेंगे आगे किसी बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीवीए है क्या और क्या यूज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक्सेल फाइल लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग को। वीवीए इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब इसका ध्यान रखिएगा ये आपका वीवी सिक्स नहीं है, वीवी स्टूडियो नहीं है, वीवी सिक्स नहीं है, वीवी स्टूडियो नहीं है या फिर डॉट नेट नहीं है। वीवी डॉट नेट होता है वो नहीं है। क्यों? वीवीए सुन के लोग वीवीए में ए छोड़ देते हैं और वीवी को समझते हैं। इनकी इनके वजह से आप क्या बना सकते हैं, एक प्रोग्राम बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप नए टूल्स बना सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क करेगा, आपको एक्सेल में भी होगा, पावर पॉइंट पे भी होगा, आपका एक्सेस में ही वर्क करेगा, आउटलुक में भी वर्क करेगा, वर्ड में ही वर्क करेगा, लेकिन सबके कोड थोड़ा अलग अलग, कुछ कोड सिमिलर होंगे और कुछ कोड अलग अलग होंगे, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा एक्सेल के। अब समझिए वीवीए एक फैक्ट्री है, तो प्रोडक्ट क्या क्या है, तो हम वीवीए की मदद से बनाएंगे सबसे पहले माइक्रोज। अब माइक्रोज क्या होता है, माइक्रोज होता है, अब माइक्रोज को ये मत सोचिए कि जो रिकॉर्डिंग माइक्रो हो गया, नहीं, रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है ना कि माइक्रोज है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, मुझे फोर्स करके बोलते हैं कि सर मुझे वीवीए करना है, माइक्रो नहीं करना है, माइक्रो को रिकॉर्डिंग माइक्रो समझ देते हैं। तो माइक्रोज जो अलग, रिकॉर्डिंग माइक्रो आऊंगा, माइक्रोज एक्सेल का एक पार्ट है, जो हम कोड करते हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्ट में जो माइक्रोज बनाते हैं वो माइक्रोज ही होता है। एक तरह से इसको हम ऑटो पायलट कह सकते हैं कि एक टूल्स डेवलप करते हैं, जो काम हम मैनुअल करते हैं उस काम को करने के लिए टूल्स डेवलप करते हैं। जैसे एग्जांपल कि आपको एक फोल्डर से 10 फाइल लेने हैं, एक फोल्डर के अंदर 10 20 50 फाइलें हैं, सारे फाइलों का डेटा आपको लेना, तो जो आप मैनुअल करोगे उसी काम को हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन कोड में इंस्ट्रक्ट कर देंगे, जैसे रन होगा विद इन सेकेंड में उसको हो जाए, आपका डेटा को लेके एक सीट पे डाल दे। मतलब जो काम आप डेली बेसिस में घंटे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे में करते हैं, उस काम को कुछ सेकेंड्स में और 100% एक्यूरेसी के साथ कर दे। और मेजरली वीवी में माइक्रोज ही होता है। दूसरा, इससे हम बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला। अब बोलेंगे सर ऑलरेडी एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूले हैं तो वीवी क्या जरूरत है। देखिए, जो आपके मेनू बार के अंदर जो इनबिल्ड फॉर्मूले आपको दिखते हैं, ये बेसिकली क्या है, इनबिल्ड फंक्शंस है। क्या है? इनबिल्ड फंक्शंस। ये अपने इसकी जो कंडीशंस, इनपुट आउटपुट एंड वर्किंग कंडीशन फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे वी लुकअप को ही देख लीजिए, वी लुकअप में क्या है कि वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम को लेगा, पहले वैल्यू को लेगा, रिपीटेड लेगा, रिपीटेड को नहीं लेगा, एक सीट डेटा, एक डेटा सीट को ही लेगा, मल्टीपल डेटा सीट नहीं लेगा। तो आप चाहते हैं कि वी लुकअप जैसा एक मैं खुद का फॉर्मूला बना दूं जो कि मेरे हिसाब से वर्क करे, तो हम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते। तीसरा जो आता है वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब कि इंटरफेस, या हम कह दीजिए कि हम पॉपअप बनाते हैं इसके जरिए। अब किस तरह का पॉपअप दिखाता हूं,
एक मिनट, इसे देखिए, जैसे ओपन हुआ ये लॉगिन मांग रहा है। यहां पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे तो ये लॉगिन होने लगे। जो पॉपअप दिख रहा है ना, ये लॉगिन। हाँ, इस तरह के पॉपअप बनाना चाहते हैं ना आप, इसका पॉपअप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो दिख रहा है यूजर फॉर्म, इस तरह का जो पॉपअप आता है, जैसे एफएक्स किया जो पॉपअप आया, इस तरह के पॉपअप दिख रहे हैं ना आप खुद के बनाने, जैसे पिवट टेबल लगाते हो या माइक्रो लगाते हो तो पॉपअप आता है। इस तरह का पॉपअप बनाने का काम यूजर फॉर्म करता है। मैं और फाइल आपको दिखाता हूँ इसमें, और यूजर फॉर्म के, यूजर फॉर्म को कह सकते हैं कि भाई एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है। इसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है, इसको बोला जा सकता है। इसे एंटर डेटा किए, ये देखिए दिखे यहाँ पे, यहाँ जो भी फिल करेंगे इसके अंदर डेटा इनपुट होगा। तो इस तरह के पॉप सर्च डेटा, यहाँ पे मान लीजिए वन दिया, सर्च किया, डेटा आ गया, एडिट किया, यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया, चेंज पे क्लिक किया, ओके किया, देखिए चेंज हो गया। तो इस तरह का पॉपअप हम बनाते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूजर फॉर्म का यूज करते हैं। तो तीन चीजें हम वीवीए के थ्रू बनाएंगे, मैक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? अब अगला बात आती है कि हम वीवी की यूज हम करेंगे कब, बोलिए। हमने बताया कि वो अलग अलग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और वीवीए के जरिए सॉफ्टवेयर नहीं, वो एक्सेल के अंदर इनबिल्ड फीचर है जो कि हम एक्सेल के अंदर माइक्रोज, फंक्शन और यूजर फॉर्म डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। पूरा कंसोल है, अभी जो यूजर फॉर्म दिखाया ना उस तरह का बना हुआ कोई सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा होगा तो वीवी सिक्स पे ही बना होगा। नहीं, वो तो अलग है, तो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आया जाता है ना, ना आप सीख सकते हैं ना मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि उस सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। उसका यूज कहाँ करोगे फिर, उसका यूज अलग है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जाओ, कंपनी में जाओगे तो उसका यूज करोगे आप, तो वो तो पुराना वर्जन हो गया, आप तो उसका यूज भी नहीं होता है। आप तो पैथन है, जावा है, वो सब यूज होता है ना, सी है। मैंने बोला कि मैं कवर नहीं करूंगा, मैंने बताया कि ये चीज नहीं है, ये कवर नहीं हुए, बता दिए कंफ्यूज में कोई। आगे बढ़े, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन, बड़ी सबसे बड़ी क्वेश्चन आ रहा है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सॉरी जो वीवीए है इसका इस्तेमाल कैसे करें, कब डिसाइड करें कि हमें वीवीए यूज करना। तो देखिए, दो इसकी दो सिचुएशन है। पहला है रिपीटेड वर्ड, एक ऐसा काम जो आपको हर दिन करना है, बार बार करना, और उसको करने में 15, 20, 25 मिनट या घंटे का टाइम आपका लग जाता है। तो उस टाइम को सॉल्व करने के लिए हम वीवी का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरह से कि अगर आपको ऑफिस जाने के लिए कार किननी है तो कैसे कर, पहले कैसे चेक करोगे ना कि आपके ऑफिस के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, आपके ऑफिस दूर है और आपको डेली जाना है। पता चला कि आप ऑफिस, आपका वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस महीने में आप एक आध बार जाते हो, तो उसके लिए कार किनना सही तो नहीं है ना। सेम उसी तरह से आपके बॉस कुछ ऐसा रिपोर्ट दिए जो आपको डेली नहीं बनाना है, जी कैजुअली पूछ देते कि आप बताओ ये क्या हुआ, तो वो रिपोर्ट नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांग दी। अब उस इन्फॉर्मेशन को नॉर्मल एक्सेल के जरिए हम 1-2 मिनट में निकाल सकते हैं, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग क्यों करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग आसान तो नहीं है ना। तो आपके पास जब आएगा
पहले चेक कीजिए कि आप पहले आप प्रोग्रामिंग के यूज करेंगे जो आपका रिपीटेड वर्क है, जो रिपीट हो रहा है, उस काम को आप करेंगे पहले। रिपीटेड वर्क को क्या करेंगे? पहले करेंगे। ठीक है, तो वीवी का इस्तेमाल हम करेंगे रिपीटेड वर्क। दूसरा आता है लेंथी वर्क। लेंथी वर्क जो होता है वो, अब एक कोई काम एक आया है जो कि काफी, एक एक काम जो आया वो आपका एक ही बार आया, इन फ्यूचर में आएगा या कि नहीं आएगा वो आपका कोई गारंटी नहीं है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। लेकिन काफी लेंदी है, जैसे मान लीजिए ना कि आपको 100 फोल्डर के, एक फोल्डर के अंदर 200 फाइलें हैं, 200 फाइलों का डेटा एक के नीचे आपको करना है, बट वो एक ही बार आया है, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, बट इतना लेंदी है कि मैनुअल करने जाओ तो कई घंटे लग सकते हैं, तो ऐसे काम के लिए वीवी इस्तेमाल करते हैं। तो वीवी का इस्तेमाल करेंगे कब? रिपीटेड वर्क और लेंदी वर्क। और आती है बारी कि हम किसके लिए इस्तेमाल करें। पहला सेल्फ, ऐसे फाइल जो आप यूज कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, आपके पास रहती है, उस पर आप यूज को कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप किसी और के लिए करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपके फाइल के अंदर जो माइक्रो का सिक्योरिटी होता है डिफॉल्ट, ये देखिएगा डिसेबल होता है। क्या होता है? डिसेबल होता है। इससे होगा क्या कि जैसे किसी को वीवीए के फाइल आप भेजेंगे, ओपन करेगा और ओपन करते ही उसको दिखाएगा सिक्योरिटी अलर्ट, पॉपअप दिखाएगा। पॉपअप देखते ही वो सिर्फ सिंपल सोचेगा कि इस फाइल के अंदर प्रॉब्लम है, माय वायरस है, सिक्योरिटी अलर्ट दिखा रहा है, तो क्या करेगा? फाइल को क्लोज करेगा, आपको फोन करेगा, मेल करेगा कि भाई फाइल में प्रॉब्लम है। फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसको ट्रस्ट में लाओगे कि भाई ये गुड कोड है, आप इसको आपको अनेबल कीजिए। तो इतना झमेला क्यों पालना? आप जो है अवॉइड कीजिए ऐसे फाइलों पे कोडिंग करना जो फाइल कई जगहों पे ट्रेवल होगा, जहां जहां भेज रहे हो तो पता है कि वीवीए से फैमिलर है, वीवीए को जानते हैं, तो आप भेजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, आप नॉर्मल फाइल बनाएंगे। दूसरा होता है कि जो आपका, बोलिए, अब बात सुनिए, नहीं आप समझ, बात सुनिए पूरा बोल रहा हूँ, कि अगर आप जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उस रिपोर्ट के अंदर आप वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू रिपोर्ट बनाइए, हम बोल रहे हैं कि ऐसे फाइलों के अंदर वीवीए का यूज करना बंद कर दीजिए जो फाइल कई जगहों पे जाता है मेल पे। उसके दो प्रॉब्लम है, पहला है सिक्योरिटी अलर्ट, क्योंकि माइक्रो अनेबल हो, डिसेबल होगा तो यूज होगा नहीं, अनेबल करने का पॉपअप देगा, अनेबल नहीं करेगा तो आपका माइक्रो वर्क करेगा नहीं, तो अनलेस हो जाएगा। दूसरा कि मोस्टली लोग जो है आपका एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह पे आपकी रिपोर्ट को देखते हैं, और एंड्रॉयड पे या फिर या जो वेब एक्सेल है उस पे वीवीए प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करेगा, समझ गए, इसलिए उसको अवॉइड करें। हाँ, तो आप फिलहाल इसके बाद कुछ दिनों बाद में ऑटोमेट नाम का एक स्क्रिप्टिंग जो होता है जो कि वेब पेज के लिए बना हुआ है, कि जो वेब बेस्ड जो फाइल्स होते हैं उस फाइल पे हमारा प्रोग्रामिंग चल सके, उसके लिए गूगल इसका जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो कि हाँ यूज होता है, नया आया है, अभी तक मैंने भी इसको यूज करना शुरू नहीं किया है तो मैं ही पढ़ाता नहीं, लेकिन आगे यूज हो सकता है, फिलहाल इसको अवॉइड। तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए एक्सेल में हम माइक्रोज, फंक्शन और यूजर फॉर्म बनाते हैं। हम वीवीए का इस्तेमाल रिपीटेड वर्क या लेंथी वर्क पे करते हैं, और हम वीवीए को अपने काम के, अपने सिस्टम पे, अपने फाइल पे हम जो मर्जी यूज कर सकते हैं, ऐसे फाइल पे भेजे जो ट्रेवल करेगा उसको हम अवॉइड करेंगे। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया सबको? चलिए हम बोलिए, इसमें क्या मतलब अगर कोर्स तो करने के अंडरस्टैंडिंग मिलेगा? सर कोर्स से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन था वो हमारी फ्राइडे क्लास में हो चुका था, उसका वीडियो दे दूंगा, वो देख लीजिए, टॉपिक शुरू हो गया है, और टॉपिक के बीच में इस तरह की चीजें मैं ही नहीं डालूंगा, तो प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर, हाँ मैं रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर क्लास के बाद थोड़ा समझा दूंगा। सिंपल सी मैंने आपको क्या बोला, हमने वीवीए के जरिए तीन चीजें बनाएंगे, किसका यूज क्यों होता है, हम टूल्स बनाएंगे जो मेरा काम, मेरे घंटों काम को कुछ सेकेंड में कर देगा,
हम अपने खुद के फॉर्मूलेज बनाएंगे, अपने खुद के इंटरफेस बनाएंगे। मतलब कि ये बात समझिए कि वीवीए प्रोग्रामिंग क्या करेगा, जो काम एक्सेल से नहीं हो सकता है उसके लिए आप खुद के टूल्स डेवलप कर रहे हैं। जस्ट सिंपल। आपके ऑफिस में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपका एक्सेल के अंदर जो चीजें हैं वो यूज नहीं होंगे, ठीक है, या फिर उससे आपका काम नहीं बनेगा तो आप खुद की चीजें बना सकते हैं। सिंपल, राइट? आप समझ में आया कि नहीं? इस कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने लिए ऑटोमेशन तैयार करने के लिए। जो काम बार बार करना है उस काम के लिए एक टूल्स बना देंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक होते हुए काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, प्रिपरेशन ऑफ द यूजिंग वीवीए प्रोग्रामिंग। वीवीए को इस्तेमाल करके हम क्या किस तरह के प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैंने इस्तेमाल करने से पहले क्या प्रिपरेशन है। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। ये डेवलपर टैब डिफॉल्ट नहीं होता है, इसको लाना पड़ता है। कैसे लाते हैं? फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, और यहां कस्टमाइज रिमन, इसमें आपको दिखेगा डेवलपर। ये चेकबॉक्स अनचेक्ड होता है, क्लिक कर देना है। क्लिक करके ओके करेंगे आपका यहां पर डेवलपर टैब आ जाएगा। क्यों चाहिए डेवलपर टैब? नेविगेशन के लिए, ठीक है ना, वीवीए के नेविगेट करने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए। दूसरा आता है आपका सिक्योरिटी अलर्ट, माइक्रो सिक्योरिटी। तो वीवीए इस्तेमाल करने से पहले माइक्रो सिक्योरिटी को यहां अनेबल करना है। देखिए, अगर आप अनेबल कर रहे हैं तो इसी ध्यान रखिएगा कि जो अनवांटेड कोड है, ऐसे को कहने मतलब कि जो अनवांटेड जगहों से जो फाइलें आई है, अनसिक्योर फाइलों को खोलने से अवॉइड करना हो, माइक्रो फाइल के। यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ है कि नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियली डेंजरस कंटेंट। तो क्या होता है कि अगर किसी ने आपको डॉट xlsx फाइल भेजी है तो इसमें सिर्फ डेटा होता है। तो किसी ने मतलब कि अनट्रस्टेड सोर्स से अगर आपको xlsx की फाइल आ रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, उसमें माइक्रो नहीं होगा क्योंकि तो सिर्फ डेटा कैरी करता है। दूसरा, डॉट xlsx xlsm, ए फाइल आई जिसमें डेटा भी हो सकता है और कोड भी हो सकता है। तो खोलने से पहले चेक कर लें कि भाई ट्रस्टेड है या नहीं है। तीसरा, अगर कहीं से आता है डॉट xlsa होता है एडिंस फाइल, सिर्फ इसमें कोड होता है, तो अननोन पर्सन द्वारा भेजा गया या फिर कोई भी ऐसा बंदा है जिससे फाइल भेज दिया, आपका फाइल काम का नहीं है, तो आप जिज्ञासावश उस फाइल को खोल मत दीजिएगा। जिज्ञासावश क्या कीजिएगा? फाइल को खोल मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कोड भेजेगा और कोड में अच्छे कोड भी होते हैं और बुरे कोड भी होते हैं, तो वायरस टाइप के भी कोड होते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर रहे हैं इसका ध्यान आप रखिएगा। तीसरा है कि जब भी प्रोग्रामिंग कीजिएगा उससे पहले फाइल को सेव कीजिएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी हाँ, सेव कीजिएगा माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आपने फाइल को सेव कर दिया डॉट एक्सलेस एक्स में तो आपकी कोडिंग डिलीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि डॉट एक्सलेस एक्स एक्सल वर्क बुक एक्सटेंशन वाली फाइल किसी भी तरह की कोडिंग को स्टोर नहीं करता है। तो क्या होगा कि आप माइक्रो बनाएंगे और जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करेंगे, एक्सल वर्क बुक सेलेक्ट कर लेंगे जिससे आपका सारा कोड खत्म हो जाएगा। तो आप पहले ही फाइल को डिफाइन कर लीजिए माइक्रो अनेबल वर्क बुक में, ताकि बाद में आपकी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम आती है, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होती है, इसलिए मैंने पहले बताया आप। तो दो चीजें जो है आपको एक बार सेट करना है, डेवलपर टैब आपको एक बार लाना है, सिक्योरिटी को एक बार एनेबल करना है, बट फाइल को आपको बार बार सेव करना है। समझ गए? किसी को दिक्कत इसमें? हम्म,
डिसेबल विथआउट नोटिफिकेशन, मतलब क्या होगा कि डिसेबल रहेगा, माइक्रो प्रोग्रामिंग वाली फाइल आएगी तो नोटिफाई भी नहीं करेगा आपको, ठीक है, या आपको नोटिफाई करेगा, पॉपअप देगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड है माइक्रो वाली, उसको डिसेबल छोड़ के बाकी सबको डिसेबल कर देगा, ये सबको अनेबल कर देगा, ठीक है। अब बारी आती है कि प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ, तो यहाँ डेवलपर टैब में जब आइएगा तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन देगा विजुअल बेसिक, जिसका कोड होता है Alt F11। यहाँ देखिएगा ये इनबिल्ड होता है, अब ऐसा नहीं है गूगल पे सर्च करने लगे कि इंस्टॉल करना होगा, नहीं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये इनबिल्ड होता है पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। आप Alt F11 वर्ड पे भी करेंगे तो खुल जाएगा, Alt F11 एक्सेस पे करेंगे, आउटलुक पे करेंगे, पावर पॉइंट पे करेंगे तो भी खुल जाएगा आपका। तो ये जो है खुल रहा है, इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, VBE। क्या बोलते हैं? VBE। तो इस तरह का दिखेगा, साइड में आपका दिखेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, ये दो चीज चाहिए प्रोग्रामिंग नेविगेट करने के लिए, ये हमेशा होता है। अगर नहीं हुआ तो विजुअल बेसिक एडिटर जो खुला है, जो Alt F11 करने से खुलता है, चाहे विजुअल पे क्लिक करने से खुलता है, उसके व्यू सेक्शन में जाके इन दोनों पे क्लिक करें तो ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी फाइल खुले यहाँ पे दिख रहा है, उस फाइल का लिस्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमें किस फाइल में करनी है वो यहाँ पे करना है, ये रहा। उस फाइल के अंदर जितने भी सीट्स होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए C4 के अंदर 3 सीटें हैं, वो सारे सीट का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। प्रोग्रामिंग आपको कहाँ करनी है उस पर आपको डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करते ही व्हाइट कलर का जो विंडो आएगा उसको बोलते हैं कोड विंडो, और प्रोग्रामिंग हमारी यहीं पे होती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग हम सीट के ऊपर डबल क्लिक करके नहीं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं मॉड्यूल्स के ऊपर, इंसर्ट में आएंगे और मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग करना है वो प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो विजुअल बेसिक एडिटर समझ में आ गया, कोई दिक्कत? फॉर्मेट में हमने बोला कि सीट पे डबल क्लिक करके भी कोडिंग करते हैं, लेकिन वो माइक्रो कोडिंग नहीं, वो इवेंट माइक्रो कोडिंग होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो मॉड्यूल्स के ऊपर करनी है। मॉड्यूल्स कहाँ से आएगा? इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इसके पीछे दो रीजन, क्या रीजन है, जैसे मान लीजिए कि हमने C1 के ऊपर डबल क्लिक किया और हमने लिखा सब्जेक्ट, माइक्रो कोडिंग करने से पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट और फिर नाम, तो यहाँ पे हमने टेस्ट नाम से दिया, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके जैसे एंटर मारेंगे एंड सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें जो प्रोग्रामिंग लिखनी है इसी सब और एंड सब के बीच में लिखना है, ठीक है। और जब हम इसको रन करने माइक्रोज के ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम का दिखेगा, दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक मैसेज बॉक्स दे दिया MSG बॉक्स, और यहाँ पे लिखा IPT Excel School। इससे क्या होगा कि जब ये माइक्रो रन होगा तो मुझे एक मैसेज देगा, जैसे कि होता है ना बाकी जो मैं हेलो वर्ल्ड लोग प्रोग्राम करते हैं उसी तरह से समझ लीजिए। तो हमने क्या किया है, हमने C1 के ऊपर डबल क्लिक करके मैसेज लिखा है। अब मैं अगर, क्योंकि सीट तो डिलीट करते रहते हैं, अगर गलती से C1 को डिलीट कर दिया तो गई कोडिंग मारी, गई सर, इसलिए मैंने बोला कि सीट पे डबल क्लिक करके कोडिंग नहीं करेंगे, हम कहाँ करेंगे, मॉड्यूल्स पे, मॉड्यूल्स पे जाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, माइक्रो का नेम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे जो कोडिंग लिखना है लिखते, कोडिंग तो अभी बताया नहीं आपको, बस ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट करता है जो मैटर प्रिंट करना है, बाहर प्रिंट करेगा पॉपअप में, देखिए ना इस तरह का दिख रहा है आपको यहाँ पे,
हाँ बोलिए, सुन लो। ये सर सीट और मॉड्यूल में नहीं, सीट जो है आपका, जो यहाँ सीट ऐड होता है ना, वो सीट है आपका, ठीक है ना। तो हम सीट के प्रॉपर्टी में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मॉड्यूल हम इंसर्ट करते हैं जो कि फाइल के प्रॉपर्टी में होता है, सिंपल सी बात है। सीट पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका सीट के साथ आपका डेटा पोर्ट भी डिलीट हो सकता है, मॉड्यूल नहीं डिलीट होगा, मॉड्यूल का एक अलग ये है, उसका अलग सिस्टम है। नहीं नहीं बर्कबुक नहीं होता है, मॉड्यूल होता है कि वीवीए कोडिंग के लिए ही फाइल की प्रॉपर्टी में ऐड किया गया मॉड्यूल, अच्छा, तो ठीक है। उसमें मतलब हम लोग शीट से रन करते मॉड्यूल के अंदर हम जो भी प्रोग्रामिंग करते करें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और कहीं भी रन होगा प्रोग्राम। देखिए माइक्रो प्रोग्रामिंग कहीं भी रन होगा, चाहे सीट मॉड्यूल में बने चाहे सीट पे बने, रन हम किसी भी सीट पे किसी भी फाइल पे कर सकते हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं है। हैं। अच्छा फर्क यहाँ पे सिर्फ है डेटा स्टोरेज, इसकी कोडिंग स्टोरेज का। सीट में कोडिंग स्टोर होगा, सीट डिलीट हुआ तो कोड डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी अभी दिया था ना, सीट वन हट गया, सीट वन माइक्रो हट गई ना, यहाँ पे दोबारा से लिखना पड़ा मुझे मॉड्यूल्स में, समझे। यही अंतर। आपने कॉल किया हाँ, लेकिन उसके लिए आपका जिस फाइल के अंदर आपने कोड किया है, ये मॉड्यूल किस फाइल के अंदर है, बुक फोर के अंदर है। जब तक बुक फोर ओपन है तब तक, जैसे देखिए बुक फाइव आया तो मैं बुक फाइव में भी इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इस माइक्रो को हर जगह रन कर सकते हैं, बशर्ते जिस फाइल के अंदर मेरा माइक्रो है वो फाइल ओपन होना चाहिए। अगर मैंने बुक फोर को क्लोज कर दिया तब नहीं आएगा, तब वो माइक्रो लिस्ट में आपका माइक्रो नेम नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए हम एक्सेल फाइल क्लोज करने से होगा, ओके विजुअल बेसिक क्लोज करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इसको क्लोज बिना सेव किए हुए क्लोज भी कर दिया तो फिर वापस जाऊंगा तो आ जाए, ठीक है ना। एक एक्सेल फाइल का पॉपअप एक तरह से, मतलब एक शीट में अपलोड करना है तो स्पेसिफिक मतलब सीट तो में फिर कोड क्यों करेंगे? क्योंकि मतलब उसी में डेटा एंटर हो, नहीं अगर हम तो लोग मैंने डेटा आपको एंटर क्या कर बताया, सकते आपको मॉड्यूल में कोड करते हैं तो उसको हम हर सीट हर फाइल में रन कर सकते हैं। मतलब उसमें से अगर हमें जैसे शीट वन में ही बस करना है तो मतलब वो दूसरे शीट में नहीं आए, वैसा नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं कुछ सिस्टम होता। नहीं, उसके लिए इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग होता है, सीट के अंदर इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। एक दूसरा प्रॉब्लम और भी होता है कि अगर आपने सीट वन पे या दिस वर्कबुक पे कोडिंग कर दिया तो वो किसी और फाइल के साथ रेफरेंस नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए कि सीट टू है, मुझे सीट फोर का डेटा के साथ सीट टू में कुछ करना है तो नहीं कर पाइएगा, एरर देगा। तो डेटा सिक्योरिटी के साथ और भी प्रॉब्लम होती है, इसमें कोडिंग होती है, इसमें कोडिंग होती है आपका इवेंट का, जो आगे हम बताएंगे आपको। फिलहाल इसको स्किप रखिए, इस पर दिमाग दिखाइएगा तो पता चलेगा कि रूल्स भी नहीं समझ पाइएगा। इसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको जब इवेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि हम सीट वन पे जो सीट्स के ऊपर अगर कोई कोडिंग करेंगे तो हमारा सीट के साथ पूरा कोड भी डिलीट हो जाएगा। दूसरा, हम किसी और सीट किसी और फाइल से रेफरेंस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में, ठीक है। रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या है? तो रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या है? रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल से आपका, जैसे मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया। अब जो है, जैसे कि होता है ना कि सीसीटीवी कैमरे में आपका, जैसे वीडियो बनाते समय आपका पूरा वीडियो कैप्चर होता है, आपका मोमेंट कैप्चर होता है, सेम उसी तरह से आपका हर एक माउस और कीबोर्ड इवेंट जो है इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।
समझे। अब यहां पे जैसे मैंने यहां पे मान लीजिए नेम लिखा, फिर यहां पे मैंने अगर सिटी लिखा, यहां पे मैंने अमाउंट लिखा, ठीक है ना सर। इसको सेलेक्ट किया, इसको कलर किया, इसको बॉर्डर दिया, ये सब चीज रिकॉर्ड हो गई। अब मैं सेम वहीं पे डेवलपर में जाके स्टॉप मैथड करूंगा। अब मैं काम किसी और शीट पे करूं, जैसे कि यहां पे करना है, तो मुझे जस्ट इस माइक्रो वन को रन कर दे, ये अपने आप हो जाएगा। तो इस रिकॉर्डिंग माइक्रो ने क्या किया, रिकॉर्डिंग माइक्रो ने एक नया मॉड्यूल्स बनाया, दिख रहा है आपको। इस मॉड्यूल्स के अंदर वो आपने जो जो भी किया उस सब की प्रोग्रामिंग इसने कर दी। ये सेम वही कोडिंग है जो मैं करूंगा। अगर मुझे कोडिंग करना हो तो मैं भी कुछ इसी तरह से कोडिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा रेंज A1। अब रेंज क्या होता है, सब चीजों के बारे में बात बताऊंगा। मैं कंपेयर कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग माइक्रो और आपके खुद के बनाए गए माइक्रो में भी, ठीक है ना। हाँ तो इसको फिलहाल बस समझे कि कंफेयर ये क्या है, बीच में ये क्या है, मतलब कि कंपेयरिंग क्या है। रेंज हमने लिया A1 से लेके C1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VV येलो एंड सेम बस डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू वन। तो अब मैं अगर शीट 3 पे, शीट 4 पे करता हूँ, शीट 4 पे मैंने जो बनाया माइक्रो, टेस्ट माइक्रो बनाया ना, इसको रन करता हूँ। और सेम यहाँ हम जो हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो माइक्रो 1 इसको रन करते, सेम काम कर रहा है। तो क्या हुआ कि आप देखेंगे कोडिंग में किसने भी रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और नेम दिया है, सिटी दिया है, मैं भी इसी तरह का यूज किया हूं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपकी प्रोग्रामिंग सिर्फ 5 लाइन की है और रिकॉर्डिंग ने इस प्रोग्रामिंग को कितने लाइन का बना दिया है, ठीक है सर, इतने लाइन का बना दिया है। क्यों, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा। आपको छुट्टी लेना है तो बॉस से पूछे जाके बोलेंगे कि सर छुट्टी लेना है, तो क्या बोलेंगे कि बॉस कल मुझे छुट्टी चाहिए, बॉस पूछे रीजन क्या है, तो बोलेंगे सर कोई काम है, 1 या 2 लाइन में बात खत्म हो गई सर। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू देना है, क्या लग रहा है, 1 लाइन लिख दीजिएगा बॉस कल छुट्टी चाहिए। आप जो ऑफिशियल लैंग्वेज है टू द मैनेजर, बिच कंपनी, सिटी, सब्जेक्ट, डियर सर, थैंकिंग, सब लिखिएगा ना, तो क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। तो सेम उससे समझिए कि हम जो कोडिंग करते हैं तो हमें जो चाहिए अपने हिसाब से वही चीज लिखते हैं जितना जरूरत है, जितना जितने हमें समझ सके मेरा। लेकिन इसी चीज को जब रिकॉर्डिंग माइक्रो रिकॉर्ड करता है तो अपना प्रीफिक्स लैंग्वेज को यूज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए A1 को सिलेक्ट किया, फिर इसमें नेम लिखा, और मैंने क्या किया, मैंने इसी में लिख दिया डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, 2 लाइन के जुड़ते नहीं, एक ही लाइन में कर दिया। इसने पहले से लगे हुए बॉर्डर को हटाया, फिर इसने लेफ्ट का बॉर्डर लगाया, फिर राइट का बॉर्डर लगाया, मैं एक ही बार कंटिन्यूस बॉर्डर लगा दिया, समझे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करता है। रो एंड कॉलन, रो एंड कॉलन, आर मतलब रो कॉलन का क्या होता है कि ए आपका जो अभी क्या है, अभी A1 बी ए बी सी डी के रोल में है ना ए, लेकिन BVA जो है इसको R1 C1 के मेथड में समझता है, कि माने कि रो नंबर 1 तो कॉलम नंबर भी 1। ये आगे आपको सीखेंगे, फिलहाल आप कोडिंग पे ध्यान नहीं दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि इसने कितना लंबा कोडिंग किया और इसमें हमने कितना कोडिंग कम किया। हमने कम क्यों किया कि हमने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कोडिंग किया।
ठीक है। तो अब बात, क्योंकि यार एक चीज क्यों बताया, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर हम रिकॉर्डिंग माइक्रो, ये प्रोग्रामिंग क्यों सीखे जब मेरे पास रिकॉर्डिंग माइक्रो है, सारा काम हम खुद से रिकॉर्डिंग से क्यों नहीं कर ले। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप जो है कुछ ही काम कर सकते हैं, रिपीटेशन नहीं होगा, लूपिंग नहीं होगी, कंडीशंस नहीं लगेंगे, डायनेमिक नहीं होगा, क्योंकि हमने जो रन किया वो क्या होगा कि जहां पे हमने फिक्स कर दिया ए वन बी वन सी वन वहीं पे होगा, बट मैं चाहूँ कि जहां पे कर्सर हो वहां पे करे, तो यहाँ हमारा हम अपने कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं कि ए वन के जगह पे एक्टिव सेल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन रिकॉर्डिंग माइक्रो में नहीं कर सकते ना। तो डायनेमिक नहीं हो सकता, रिपीटेशन नहीं हो सकती, कनेक्टिविटी नहीं हो सकता, लूपिंग नहीं हो सकता है, इवेंट नहीं हो सकता है, फंक्शन नहीं बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है सब कुछ कर ही नहीं सकते, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या करेंगे। देखिए इसका दो यूज होता है, पहला होता है एज ए डिक्शनरी, जैसे कि मान लीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हो जहां पे आपको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करना है। अब कॉपी करने कोड तो आप जानते हो, पेस्ट स्पेशल कोड आपको नहीं पता, तो आप गूगल करो, उससे अच्छा है क्या करो, रिकॉर्ड कर लो, डेवलपर पे जाओ, रिकॉर्ड माइक्रो और सिलेक्शन कॉपी लोकेशन पे जाओ, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू, अब माइक्रो के स्टॉप करो, यहाँ माइक्रो लिस्ट पे आओ, माइक्रो टू को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करो, आपका कोड आएगा, ये रहा पेस्ट स्पेशल कोड, समझे, इसका यूज कर लो। तो डिक्शनरी के रूप में यूज करेगा, ठीक है। अभी ना गूगल चैट जीपीटी जैसे चीजें आ गई है, लेकिन हमारे जमाने में ऐसी चीजें नहीं थी, किताबें थी और किताबों में खोजना मुश्किल होता था, तो चीजों को हम ऐसे रिकॉर्ड माइक्रो करके देखते थे शुरुआती में। तो लर्निंग पीरियड में आपके लिए अच्छा होगा कि आप चीजों को एक एक करके देखें इसका कोड क्या बनेगा, फिर कोड में मॉडिफाई करें, फिर उसके अंदर चीजें करें, फिर मॉडिफाई करें, फिर चीजें करें। दूसरा यूज होता है कि हम कोडिंग से बचते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम रिकॉर्ड माइक्रो कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग माइक्रो को चेंज करके उसको डायनेमिक कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। सबको आ रही है या फिर सिर्फ आप ही को आ रही है, बाकी लोगों को ठीक है आवाज मेरी? अच्छा, आपके आपके एंड से प्रॉब्लम होगा सर, मेरे एंड से प्रॉब्लम होता है, सबको होता ना सर, ये समझ में आया। अब बात आती है कि हमने आपको बता दी चीज, समझा दिए, अब एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको एक आर्टिकल पढ़ना है। शुरुआत में जब भी कोई ट्रेनिंग लेता है वीवीए की, तो एक आर्टिकल मैं देता हूँ पढ़ने के लिए, ये आर्टिकल मैं भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल ये है, आर्टिकल यहाँ पे excel-vva.com, excel-vva.com, इसका चैप्टर नंबर वन, बाकी चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है इसको पढ़ना है। मैं पहले बता दूं, इस वेबसाइट का ना मैं प्रमोशन कर रहा हूं, ना मेरा वेबसाइट है, ना कोई लेना देना है, लेकिन जब मैं शुरुआत में पढ़ता था तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, और मैंने जितने लोगों को मैंने रिकमेंड किया सबने इसकी तारीफ की है कि हाँ इसमें चीजें बड़ी सफाई से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। इसके तीन सेक्शन है और 33 चैप्टर है, छोटे छोटे हैं, बड़े चैप्टर नहीं है, तो जितना हो सके उतना आप क्या करें इसको पढ़ने की कोशिश करें।